स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झार एडुकेयर में। तो चलिए, बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आज आपका एक ख्वाहिश पूरा होने जा रहा है सोशल साइंस का। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सोशल साइंस का भी टीचर लाइए, और हमने भी बताया था कि सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का टीचर आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, आज से सोशल साइंस स्टार्ट हो गया है। सोशल साइंस का टीचर एक बेहतरीन टीचर, जिस तरह से हम आपको पूरे झारखंडी भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, तो उसी तरह का एक प्योर झारखंडी टीचर हमको मिला है, जो कि बहुत ही बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से एकदम पूरा झारखंडी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे, पूरा झारखंडी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ताकि ऐसे भी सोशल साइंस देखिए बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उनसे पढ़ने के बाद आपको एक भी ज़रा सा भी कहीं पर भी बोरिंग महसूस नहीं होगा। यकीन मानिए, मज़ा आ जाएगा उनसे पढ़ने के बाद, है ना। बहुत ज़्यादा सर्च और खोजबीन के बाद एक टीचर जो कि बिल्कुल मेरी तरह आपको अपनी भाषा में, अपनी साधारण भाषा में समझाएंगे, इस तरह का टीचर हमको मिला है। आपको भी बिल्कुल ये अनुभव नहीं होगा कि हम पढ़ा रहे हैं या फिर कोई और पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, उनका वीडियो आज देखिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। जितना भी स्टूडेंट देखिएगा, सभी को कमेंट करना इस वीडियो में अनिवार्य है। किसी और वीडियो में उतना जिद नहीं करते हैं, लेकिन इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि ये पहला देखिए इसमें क्लास नहीं, क्योंकि वो जो है ना थोड़ा सा बाहर में है, अभी अपने जहाँ घर में नहीं है, तो वहाँ पर जो उनको मिला किताब उताब कॉपी मिला उसी से वीडियो बना करके भेजे हैं। फिर जैसे वो अपने मूल स्थान पर पहुँचेंगे तो वो बोर्ड में भी और बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी बस अभी जहाँ हैं वहीं से कॉपी और किताब के माध्यम से एक वीडियो बनाए हैं और कुछ कुछ क्लास लेंगे। तो देखिए उनको, बस आज का क्लास मतलब डेमो एक समझिए, तो ट्रेलर हल्का सा खाली, बस ये पता लग सके कि मतलब पढ़ाने का अंदाज उनका कैसा है, उसको जानने के लिए बस एक वीडियो मांगे हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, कुछ गलतियाँ हों, कुछ कमी हो तो उसको भी बताइएगा, ताकि वो कमी को दूर कर पाए, है ना, और बेहतर उसको करने की प्रयास कर सके। तो जो भी कमी लगे उसको भी बताइए, और जो भी अच्छा लगे उसको भी बताइए, ताकि हम फाइनल डिसीजन ले पाए कि उनको क्या किया जाए, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट जो से इंग्लिश का भी टीचर मिल चुकी है, लेकिन उनको थोड़ा सा देख रहे हैं, झारखंड में 5-6 दिन से पानी पूरा झारखंड हो गया है ना, तो कहीं निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कैसे एडिट करना है, कैसे वीडियो बनाना है, तो वो नहीं बता पाए हैं, इसलिए उनका वीडियो अभी 15 अगस्त बाद उनका भी इंग्लिश का भी वीडियो आपको ऐसे मिलने लगेगा, ठीक है। उनको एक बार थोड़ा सा जाकर ट्रेनिंग देना होगा, तो वो भी बहुत बढ़िया तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ाएगी, तो वो भी मिल जाएगा। बस आपके से एक सपोर्ट की दरखास्त है, जो ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कहा कि आप तो खैर खुद देख रहे हैं कि चैनल का स्थिति अभी तत्काल में क्या है, बहुत ही ख़राब स्थिति हो चुका है, फिर भी हम हिम्मत करके नए नए टीचर आपको लिए प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि वीडियो को शेयर करिए और चैनल को जितना ज़्यादा हो सके ग्रो कराने में आप हेल्प करें, ताकि और बेहतरीन कंटेंट यहाँ पे आपको मिलता रहे हमेशा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि मैट्रिक लिख दीजिएगा उसके लिख लीजिएगा उसके बाद इस चैनल से आपको मतलब ख़त्म हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। 11-12 का भी अगले साल से शुरू कर देंगे अगर आपका साथ रहा तो, और बिल्कुल 11-12 का भी साइंस, मैथ, फिजिक्स, ज्योग्राफी जो भी होता है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, सभी सब्जेक्ट को कोशिश करेंगे एकदम बेहतरीन बेहतरीन टीचर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करें, और मैथ हम खुद पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए, बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चलिए शुरू करते हैं उनका वीडियो, उनका क्लास आज के देखिए, और कमेंट मस्ट है ना, कमेंट कंपल्सरी इस वीडियो में, ठीक। चलिए, शुक्रिया। स्वागत है बच्चों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो क्लास है ये क्लास 10 जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड का जो सामाजिक विज्ञान है उसी विषय के हम एक मतलब कि पहले पार्ट बोले, जैसे कि सामाजिक विज्ञान में चार हिस्से, चार पार्ट है, ठीक है, जैसे इतिहास, उसके बाद आपका हम मान सकते हैं हम बुक में ही लिख देते हैं इतिहास है, ठीक है, भूगोल है, उसके बाद आपका नागरिक शास्त्र है, उसके बाद आपका अर्थशास्त्र है। तो इन सभी जैसे इतिहास यानी हिस्ट्री, भूगोल यानी ज्योग्राफी, नागरिक शास्त्र सिविक्स, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, तो हम उसी का पहला पार्ट इतिहास के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आपके पास देखिए बुक का पहला पन्ना भी है, भारत और समकालीन विश्व 2 कक्षा 10 के लिए इतिहास। चलिए, तो इसका हम सबसे पहले देखिए, किसी भी विषय की जानकारी अगर आपको दे रहे हैं तो हम सबसे पहले उसके विषय को जानते हैं, कितना विषय है, ठीक है, उस सब्जेक्ट के विषय को जानने के पूरा प्रयत्न करें, पूरा कोशिश करें। तो चलिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पहला चैप्टर है।
देखिए पहला पार्ट है कि खंड एक घटनाएं एवं प्रक्रियाएं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पेज नंबर 3, भारत में राष्ट्रवाद पेज नंबर 29। चलिए खंड 2 में आते हैं हम लोग। जीविका अर्थव्यवस्था एवं समाज, भूमंडलीकृत विश्व का बनना 53, औद्योगिकरण का युग 79 यानी 79। खंड 3 रोजाना जिंदगी, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो जितने तरह के आज़ादी राष्ट्रवाद के बारे में पहला चैप्टर पढ़ेंगे, भारत कैसे आज़ाद हुआ, कितने आंदोलन हुए, कौन अगुवाई किया, किसके पीछे रहे, कौन आगे रहा, ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर में। जो पिछला पुराना था वो ख़त्म नहीं है, ये उसमें कुछ चैप्टर कट गए। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, दुनिया कैसे बिजनेस व्यापार कैसे तरक्की कैसे कौन कब्जा किया, ये सब पढ़ेंगे हम लोग 3 में। दुनिया कैसे इंडस्ट्रियलाइज हुआ, औद्योगिकरण युग, ठीक है, बिजनेस यानी कि इंडस्ट्री औद्योगिक फैक्ट्री कारखानों से जुड़ा, ठीक है। अब आवाज़ें तो आएगी आपको, अब जाहिर से बात है हम लोग घर में हैं और हमारे पास तो एकदम सुविधा वाला माइक नहीं है, तो थोड़ा आप भी बैलेंस कीजिए। चलिए अब हम जो पहला चैप्टर है कि खंड एक घटना एवं प्रक्रियाएं, हम आपके सामने पहले चैप्टर का रख रहे प्रीफेस यानी कि पहला चैप्टर का जो भी हम स्टार्टिंग या शुरुआत लिखे, भारत यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चलिए हम इसको जानने से पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर को बताएंगे आपको इसमें क्या है, पहले आप बुक को साइड रखते हैं। देखिए जो हम अपने तरफ से टॉपिक का नोट्स किए हैं, हाँ तो देखिए अब इसको हम लोग टीजर कह सकते हैं, ट्रेलर कह सकते हैं, झलकियां कह सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है, और अपना भाषा में कह सकते हैं ऊपरी ऊपरी का पढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसी को इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि सीबीएसई वाला कुछ अलग नहीं पढ़ता है, हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं भारत में राष्ट्रवाद, उन लोग बस उसी को बोलता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो आप लोग डर जाते हैं इंग्लिश में पढ़ता है बाबू बहुत, ऐसा कोनो बात नहीं, जो हुआ सो हम है, ठीक है। सीबीएसई में भी इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ और हिंदी में भी है, ठीक है, दोनों एनसीईआरटी है, खाली मीडियम अलग है, वो इंग्लिश में है हम हिंदी में है, तो सब में ठीक है। सीबीएसई में भी फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में हुआ था और हिंदी में भी, ठीक है, तो सीबीएसई में 1914, तो 1914 को ना इंग्लिश में 1914 कहते हैं। चलिए फिलहाल इधर उधर की बात हम लोग ना करते हुए क्या करते हैं, चलिए हम लोग टॉपिक जानते हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, भारत में राष्ट्रवाद यानी सॉरी यूरोप में राष्ट्रवाद, इनमें क्या टॉपिक है, हम किन बिंदुओं को अध्ययन करेंगे। पहला जो बिंदु है वो चित्र है, ठीक है, चित्र में किसका है, फ्रेडरिक सोरियो। आज हम आपके सामने सिर्फ इस चैप्टर को कि क्या पढ़ना है, क्या जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना तो स्ट्रेटजी बनाते हैं ना, ठीक है, नियम क्या बनाते हैं उसको नहीं बोलता है कि अगला टीम के खिलाफ हम लोग कुछ रणनीति बनाते हैं, नीति वही हम बताते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना का है। चित्र पहला पिक्चर होगा, उस चित्र को बनाने वाला फ्रेडरिक सोरियो होगा। दूसरा निरंकुशवाद एब्सोल्यूटिज्म, ये क्या है, हम सारा आपको वन बाय वन करके डील करेंगे, ठीक है, ये सिर्फ ट्रेलर है, आप लोग बस कमेंट कीजिए कैसा लगा मेरा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो करना सब कर दे, ठीक है, हथौड़ी से टांगी से ठीक है, कुदारी से कोड़ी से जिससे भी बेल आइकन घंटा बटन को बजाना है बजाइए, ठीक है, बरसात का मौसम है खेती कीजिए जो लगाना लगे लेकिन बजना चाहिए। अब कल्पनादर्श अनसर्ट रेनन के राष्ट्र क्या है, तो अकॉर्डिंग टू अनसर्ट रेनन व्हाट इज नेशन, राष्ट्र क्या है वो भी जानेंगे। तीसरा है जनमत संग्रह, इसको आप रिफ्रेंडम भी कह सकते हैं और भी कुछ वर्ड होते हैं, ठीक है, हम सारा डिटेल बताएंगे आपको, हम नहीं बता रहे अभी क्या करना। ऊपरी ऊपरी देखिए फ्रेडरिक सोरियो एक राष्ट्रवाद का फोटो बनाया था, पिक्चर बनाया था, आखिर राष्ट्रवाद होता क्या है, तो राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद को जानने के लिए हम समान शब्दों में कह सकते हैं कि देखिए अपनी अब क्या कह सकते हैं कि अपने देश अपने विषय अपना राष्ट्र के लिए क्या करना, अपने आप को समर्पित करना, उसको कैसे आबाद किया जाए, यही तो राष्ट्रवाद है ना, कि राष्ट्र को कैसे तरक्की करेगा, देश कैसे यही उज्ज्वल भविष्य की ओर कैसे ले जाएंगे, उसका भी हम आपको नोट्स देंगे। लेकिन अभी निरंकुशवाद एब्सोल्यूटिज्म इसके बारे में पढ़ेंगे, ये फ्रांस के क्रांति में पढ़े हैं। कल्पनादर्श देखिए निरंकुशवाद एब्सोल्यूट, निरंकुश निर मतलब नहीं और अंकुश मतलब रुकावट, तो ऐसा एक शासन जिसमें कोई भी रुकावट नहीं होगा। चलिए
कल्पनादर्श, कल्पना प्लस आदर्श, यानी कि एक ऐसा समाज का रचना कीजिए जो कल्पना वाला समाज हो, जो बहुत आदर्शील हो। फिलहाल अभी हम आपको टॉपिक बताते हैं, जनमत संग्रह फ्रांस। अब देखिए मेन टॉपिक वन, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। चलिए यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे आया, कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, ये है। चलिए उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, ये भी हम पढ़ेंगे। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद, ये भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे रूढ़िवाद क्या है। तीसरा आप देखिए क्रांतिकारी, इसको भी पढ़ेंगे। क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848, ये भी पढ़ेंगे। इसी में तो आपको जीवसेप्पे मैत्सिनी का मिलेगा। ठीक है, रुमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, अब क्या रुमानी कल्पना है, राष्ट्र की भावना क्या है, ये पढ़ेंगे। देखिए और आगे है भूख कठिनाई और जन विद्रोह, भूख कठिनाई और जन विद्रोह, इसके भी पढ़ेंगे। 1848 में उदारवादियों की क्रांति, इसको भी पढ़ेंगे। नारीवाद, इसको भी पढ़ेंगे। जर्मनी और इटली का निर्माण, जर्मनी और इटली का निर्माण, जिसको बोलते हैं जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। अब देखिए जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकती है, सैन्य राष्ट्र, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़। इस टॉपिक में है कि हम सारे को पढ़ेंगे, डील करना है तो डील करेंगे आपके सामने, भागना नहीं है, जाना कहीं नहीं है। ठीक है, हम आपको हर एक विषय का संपूर्ण मतलब संपूर्ण क्या है टॉपिक, संपूर्ण जो बिंदु है ना उनके सभी का जानकारी, सबका आधा अधूरा नहीं, ताकि हम नोट्स बनाए ना बनाए आप इस वीडियो को देख के पागल की तरह अपने से नोट्स बना लीजिएगा। और जो बोल दिए ना, जो लिखा दिए एकदम, उसको पढ़ना है ऐसे तो पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक शिकायत रहता है, एक परेशानी होती है कि ये क्वेश्चन मैच नहीं किया। आप एक बार वीडियो देखिए और मेरे साथ पढ़िए, मैच क्यों नहीं करेगा, काहे नहीं मैच करेगा। इंडिया श्रीलंका, श्रीलंका पाकिस्तान से बांग्लादेश का सबसे मैच होता है, आप ही का मैच नहीं होगा, करेगा तो करेगा। इटली, ब्रिटेन की अजीब दास्तान, आखिर ब्रिटेन का क्या दास्तान है, उनको पढ़ लेंगे। निर्जातीय एथनिक, चलिए ये हम पढ़ा नहीं रहे, सिर्फ टॉपिक के बारे बता रहे। हाँ देखिए राष्ट्र की दृश्य कल्पना रूपक, आप जब लास्ट में बुक में जाइएगा तो वहां मिलेगा। प्रतीकों के अर्थ है महत्व, चित्र देखिए द फॉलन जर्मेनिया, हताश जर्मेनिया, ठीक है, जूलियत जूलियस ह्यूबर एक जर्मेनिया का पिक्चर यानी कि चित्रकारी किया है, उसके बारे हमको पढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन क्वेश्चन आंसर से पहले ये तो रहा बुक, उसके बाद हम आपको क्या और एक्स्ट्रा डील करेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे थोड़ा सा पढ़ेंगे, जर्मनी का एकीकरण को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इटली का एकीकरण को पढ़ेंगे, यूनान की स्वतंत्रता पढ़ेंगे, जीवसेप्पे मैत्सिनी को पढ़ेंगे, जीवसेप्पे गैरिबाल्डी को पढ़ेंगे, ऑटोमन बिस्मार को पढ़ेंगे, काउंट कैमिली द काउर को पढ़ेंगे। ये सभी जो भी बिंदु है जिससे हमें एक मार्क्स, दो मार्क्स, तीन मार्क्स, पाँच, चार मार्क्स, इन सब में मदद मिलेगा, इन सब को हम विषयवार पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये आपके सामने हम रखे थे आज आपको कि सोशल साइंस में कैसे आपको पहला चैप्टर में क्या पढ़ना है, और आप एक भारी भरकम सा ले लेते हैं TODAY टुडे, मिल जाता है आपको 80 से 90 रुपया में, उनके उनका जो भी क्वेश्चन आंसर किया हुआ है उनको आप रात दिन रटते रहते, जैसे भी मैं सिनी कौन था, इटली का रणनीति का रहता है वो, अरे भैया आप पहले बुक को पढ़िए ना, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो टुडे से नाता मैं नहीं कह रहा हूँ कि तोड़ दीजिए, टुडे को भी रखिए, लेकिन एनसीईआरटी इज द फादर ऑफ ऑल अदर बुक्स, यानी कि एनसीईआरटी सबका बाप है, एनसीईआरटी से बड़ा बाप कोई नहीं बाबू, एनसीईआरटी पढ़ के आदमी बड़ा बड़ा ऑफिसर बनता है, आईएएस का भी तैयारी एनसीईआरटी से करता है। तो हम फिर कहा है TODA करने जाए, टुडे टुमोरो फ्यूचर जो करना है करो, लेकिन पहला एनसीईआरटी। और कुछ भी परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, आपको कमेंट में भी सब कुछ मिलेगा। चलिए तो ये था हमारा, अब जब हम शुरू करेंगे तो कैसे शुरू करेंगे, आज थोड़ा एक खाली बस कहानी नहीं, एक अब देखिए इसके बारे पढ़ते हैं बस। ये देखिए हम आपके सामने ड्रॉइंग चित्र क्या लिखा हुआ है, देखिए फ्रेडरिक सोरियो विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न, राष्ट्र के बीच संधि 1848।
देखिए फ्रेडरिक सोरियो, अब जब आप चित्र बनाया, कौन बनाने वाला? फ्रेडरिक सोरियो। अब आप बस फ्रेडरिक सोरियो पर नहीं, थोड़ा सा फ्रेडरिक सोरियो के बारे भी जान लेते हैं, ठीक है, क्या था क्या नहीं था थोड़ा सा जानना चाहिए। तो फ्रेडरिक सोरियो के बारे हम आपके बीच में लिख के लाए कि फ्रेडरिक सोरियो जन्म कब हुआ, 17 जनवरी 1807 में। स्थान, आदमी जगह में तो पैदा होता है ना जी, ऐसा तो नहीं है कि पेड़ में होगा, नहीं। तो इसी तरह से स्थान कहाँ, फ्रांस। फ्रांस के किस जगह में, पेरिस। अभी दुनिया का सबसे स्टाइलिश जगह, पहले भी था अब भी है, ठीक है, फैशन शो होता है आप सब जानते हैं। कार, प्रतिभा का ये कार्य है, देखिए कार आदमी, देखिए जब कोई चीज बहुत बड़ा कार्य होता है ना तो समझ जाइए वो प्रतिभा, टैलेंट है, टैलेंट होता है। आदमी अपने प्रतिभा के बेस पे अगर कार्य करेगा ना तो वो बनाएगा हिस्ट्री, क्या रचेगा, हिस्ट्री। हाँ, तो चलिए क्या था, कलाकार यानी कि चित्रकार, चित्रकार था वो, कलाकार, राष्ट्रवाद का एक बहुत आंदोलन करने वाला था। मृत्यु कब हुआ, 25 सितंबर 1887, कहाँ पे, सेंटपोर्ट फ्रांस में। मूवमेंट, आंदोलन, एक आंदोलन किया था नेशनलिज्म इन फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, यूनिवर्सल मेल सफरेज, यानी कि वो क्या किया कि वो पूरे फ्रांस में सार्वभौमिक, यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब सारे भूमि पे क्या क्या सफरेज, मत अधिकार, वोट का अधिकार देने के लिए भी वो आंदोलन प्रेरित किया था लोगों को। चलिए तो हम इसका एक, अब आपके सामने है ड्राइंग, तो ड्राइंग यानी कि सॉरी ड्राइंग या बोले चित्र, इस चित्र के बारे थोड़ा हम लोग आराम से पढ़ते हैं। देखिए इस चित्र के बारे हम लोग कहीं काट नहीं सकते, कहीं छाट नहीं सकते, एक एक लाइन भी पढ़िए तब भी बहुत कम है। देखिए कहा जाता है कि 1800, अब देखिए आप समझ गए कि ये जो चित्र है इसको बनाने वाला कौन है, फ्रेडरिक सोरियो। वो कहाँ का था, तो फ्रांस का था। क्या था, तो चित्रकार था। कब पैदा हुआ था, तो 17 जनवरी 1807 में। आप सोचिए फ्रेडरिक सोरियो के बारे आएगा आप लोग तो छोड़िएगा, कभी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। अब इस चित्र में है क्या, यहाँ पे देखिए ईसा मसीह दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, यहाँ पे गिरता हुआ दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए कुछ ऊपर से आ रहे हैं, ठीक है, क्या है, इस सभी को जानना है, हो सके यहाँ से क्वेश्चन दे दे। तो चलिए हम पहले आज इसी चित्र के बारे पढ़ेंगे। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सोरियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। क्या बनाई, 4 चित्रों की एक श्रृंखला। हम आज को सिर्फ ऐसे पढ़ा रहे हैं, अदरवाइज दूसरे क्लास में हम आपको ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, हम आपके सामने हर एक टॉपिक का नोट्स लाके उसी को हम डील करेंगे, ठीक है। तो आज आप ऐसे ही पढ़िए, क्या 4 चित्रों की श्रृंखला। 4 चित्रों का मतलब, कहने का मतलब एक मानिए, दो मानिए, तीन मानिए, ऐसे श्रृंखला सीरीज, ठीक। तो इस तरह से एक चित्र के बारे हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए क्या बोलता है कि इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। देखिए कितना बेहतरीन शब्द है, तो क्या क्या, सपनों का एक संसार, क्या सपनों का, जब आदमी चित्रकार होता है ना तो चित्रकार सपनों में जीता है, और कभी देखिए हकीकत सपना सभी में, लेकिन सपना वैसा सपना जिसे वो मानता है कि एक दिन पूरा होगा, ठीक है, हमारे जैसा थोड़ी ना कि इमोजी लगा दिए और बस डीपी में आई मिस यू रो रहे हैं ऐसे करके, ऐसा नहीं, वो एक अलग ही छवि होती है जब वो बनाता है तो समाज के रूपरेखा को तैयार करता है। चलिए तो क्या किया देखते हैं, उसने क्या शब्द लगाए, आप लोग शब्द के पीछे नहीं जाते हैं। सपनों का एक संसार रचा, देखिए यहाँ पे सपनों का संसार है, एक ऐसा दुनिया बनाना चाहता था जिसमें उसके सपनों का दुनिया जिसमें क्या होना चाहिए। देखिए इस श्रृंखला के, हाँ सॉरी, उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। क्या बोलता है, जनतांत्रिक, क्या जनतांत्रिक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको और गणतंत्र, भैया ये दोनों सब डेमोक्रेसी का पार्ट है, किसका, हाँ अब समझ गए, लोकतंत्र। लेकिन जब कोई गणतंत्र होता है तो यानी उसमें संविधान लागू होता है, क्या होता है, हाँ गणतंत्र, संविधान बनता है, क्या बनता है, संविधान। तो जन मतलब लोग, तांत्रिक मतलब शासन, किसका शासन, जनता का, यानी जनता के चुने लोग जब शासन करेंगे, और कैसा, गणतंत्र, तो जनता के हित के लिए,
जनता के हित के लिए किसी पुस्तक की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो उसी को बोलते हैं संविधान। ये जब संविधान लागू होता है तभी हम लोग बोलते हैं रिपब्लिक, यानी पब्लिक के द्वारा बार बार चुनना। चलिए अब देखिए चित्र एक में, देखिए यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, क्या किया चित्र एक में, यूरोप और अमेरिका के लोग किसमें, ये जितने लोग दिख रहे हैं ये यूरोप और अमेरिका। देखिए दुनिया में ना दो तीन चीज है, ठीक है, पहले आप मानते हैं, पहले हम समझा देते हैं, ठीक है। मान के चलिए दो चीज है, एक है जल स्थल, अब मत बोलिएगा वायु, हम सब जान रहे हैं आप लोग सब तेज है, लेकिन एक है जल, मान के चलते हैं वाटर है ना जी, और दूसरा है लैंड। तो लैंड को कैसे बांटा गया है, सबसे पहले अगर हम देखे जाए तो कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, तो इसमें मान के चलिए महाद्वीप, उसके बाद देश यानी कि कंट्री, उसके बाद स्टेट यानी कि राज्य, इसी को नहीं कह सकते हैं जी, बाबा यानी कि दादाजी, देश यानी कि पिताजी, स्टेट यानी कि पुत्र जी, और गांव यानी कि इसका, अब समझे। तो इस तरह से बनता है। तो देखिए हम महाद्वीप, तो यूरोप एक महाद्वीप है, क्या है, यूरोप एक महाद्वीप है, इसका बेटा फ्रांस हो सकता है, हम आप जो बोलिए, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, सभी राज्य में आप कह सकते हैं। जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, महाद्वीप एशिया, एशिया में भारत देश, भारत में झारखंड, अरे हमार सोना झारखंड, तो ये हमारा झारखंड है, ठीक है, हमारा रूपा झारखंड यानी कि हम लोग का राज्य, इसमें रांची। तो देखिए ये हुआ महाद्वीप, ये हुआ देश, ये हुआ राज्य, ये हुआ जिला, इसके बाद स्टेट, जो भी स्टेट कहिए, स्टेट के बाद जो भी आप जाइए, गांव, शहर। चलिए तो आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह यूरोप एक यहाँ महाद्वीप की बात हो रही है, और अमेरिका के लोग दिखाएंगे। अब अमेरिका मतलब ये वाला मत सोचिएगा जो बाइडन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नहीं, अमेरिका एक महाद्वीप की बात हो रही है। जब यूएसए बोलेगा तब समझ जाइएगा कि बुश वाला। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। क्या बोला, देखिए कितना अच्छा बोला कि सभी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, क्या कर रहे हैं, कतार में, कतार का मतलब लाइन में है, ठीक है। आप लोग स्कूल जाते हैं तो कैसे प्रेयर करते हैं, का भेड़ बकरी से, नहीं ना, एक के पीछे एक ऐसे रहते हैं ना, हाँ, इसी तरह सभी लोग कतार में है, ठीक है। उसके बाद जब तुम ही हो माता, तुम ही पिता, जो मन करे वो पढ़िए, हाँ, क्या बोलता है, स्वतंत्रता की प्रतिमा, प्रतिमा का मतलब जानते हैं मूर्ति, प्रतिमा किसी चीज का बनाना, ठीक है। हम देखिए स्टैचू, प्रतिमा स्टैचू, हालांकि स्मारक, हाँ देखिए यहाँ पे एक प्रतिमा दिख रहा है ना, हाँ यही प्रतिमा, तो इसी प्रतिमा को क्या बोले, वंदना, मतलब इसको मान के चलिए वंदना, आराधना, पूजा, वर्षिप, जो भी बहुत सारे लोग होते तो वंदना कर रहे, इसको मान रहे हैं, उसको बहुत रिस्पेक्ट दे रहे, वंदना करते हुए जा रहे, क्या कर रहे, इसकी वंदना करते, इसको रिस्पेक्ट दे रहे, इज्जत, पूजा भी कोई करता है। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, आप पढ़े होंगे क्लास 9 में फ्रांसीसी क्रांति, स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करते थे। फ्रांस में जब बहुत ज्यादा राजा का निरंकुश शासन था तो क्या किए थे कि मिराबियो, आबेसिये, ये सब तो आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे चित्रकार वहां थे जो क्या किए थे, फ्रांस को महिला के रूप में, क्या किए, महिला के रूप में वहां का जो मान के चलिए आजादी है, फ्रीडम, तो इंडिपेंडेंट का एक साइन रखे थे, आजादी, क्या, इंडिपेंडेंट का एक साइन यानी कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का एक चिन्ह रखे थे, उस चिन्ह को हम लोग मानते हैं नारी रूपक जैसा, यानी महिला से माने थे, महिला का रूप प्रदान के थे। यहां भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, ज्ञानोदय का मशाल यानी कि ज्ञान का उदय, ज्ञानोदय मतलब ज्ञान का उदय, तो देखिए एक मशाल है ज्ञानोदय का मशाल, यानी जो ये रूपक है, ये जो देवी है, ये क्या कर रही है,
मसाल पकड़िए ज्ञान का, यानी यहाँ से वो ज्ञान का प्रचार प्रसार फैला रहा है। और ये सब किसका है? फ्रेडरिक सोरियो का चित्र है, जो अपने सपनों के संसार को कैसे सजा रहा है कि दुनिया में अगर संसार बने तो इस तरह से बने, जो उसके एक हाथ में और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। अब देखिए एक हाथ और दूसरे हाथ में देखिए कुछ पेज है, ये घोषणा पत्र है, यानी घोषणा करता है। आप लोग जानते हैं मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र सुने हैं ना, कि जब हमारी सरकार आएगी 1 किलो पे चीनी, 2 रुपए चावल, 3 रुपए ढकना, ऐसे करके बोला जाता है ना, फलाना फलाना ढिमकाना। लेकिन जब वही जीत जाता है तो नहीं, लेकिन फ्रेडरिक सोरियो इसे वो आप क्या कर सकते हैं, एक नारी रूप में किया, ये कोई चुनाव में नहीं किया, नारी के रूप में किया, कि अगर शासन हो तो ऐसे हो कि मनुष्य को अधिकार मिले, जिसका घोषणा पत्र यह हुआ। इस घोषणा पत्र को हम कह सकते हैं संविधान। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए। अब देखिए ये जो बिखरे हुए टूटे पड़े हुए है, ये सब क्या है? अवशेष है, टुकड़ा। जब कोई चीज बड़े चीजों को टुकड़े हो जाते हैं तो उनको अवशेष, तो ये क्या है? निरंकुश संस्थान, यानी कि जो भी राजा का संस्थान था, राजाओं का महल था, निरंकुश, जहाँ से कोई अंकुश नहीं था, वहाँ मिलने के लिए आम आदमी जा नहीं सकता था, उनके संस्थान को तोड़े हुए हैं, तोड़ मोड़ कर रखा हुआ है टुकड़ों में, ये है अवशेष। हाँ, सोरियो की कल्पनादर्श यूटोपिया, कल्पनादर्श का एक शब्द है यूटोपिया, में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए। अच्छा आप लोग जान लीजिए कल्पनादर्श होता क्या है, यहाँ पे पढ़िए साफ साफ, कल्पनादर्श यानी यूटोपिया, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो। यानी फ्रेडरिक सोरियो कहता है कि कल्पनादर्श, कल्पनादर्श यानी कल्पना प्लस आदर्श, क्या? कल्पना प्लस आदर्श। अब आप लोग आदर्श मतलब रिस्पेक्टफुल, इतना ज्यादा इतना इज्जतदार समाज, ये कल्पना करना है, सोचना है, आप सोचिए इतना इज्जतदार समाज, ना चोरी होगा, ना कोई कुछ होगा, ना चमारी, कुछ नहीं, ना कोई गलत, ना कोई झूठ बोले, ना किसी का हक मारेगा, कुछ नहीं, यही तो कल्पना आदर्श होगा। आप सोचिए ऐसा समाज का साकार होना पॉसिबल है? नहीं, ऐसा समाज बन ही नहीं सकता है, जहाँ 2 सत्य बोलते हैं वहाँ 0.25% भी जरूरी झूठ बोलेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती है जो आप लोग जानते हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा अगर ईमानदार भी है तो कोई एगो बेईमान होगा ही होगा। चलिए, तो ये सिर्फ कल्पना आदर्श, यानी सोचना कि ऐसा समाज का मतलब निर्माण कर देंगे कि छोट को भी बड़ बोले प्रणाम बाबू, और छोट मतलब बाबा दादा भी पोता को सलाम करे या फिर प्रणाम करे या आदर करे, जो भी, इतना इज्जतदार समाज होगा, किसी को गैर समझना ही नहीं है। लेकिन ये क्या होगा? समझना थोड़ा, ये साकार होना इसका मुश्किल है। ठीक है, सांस या लिख भी दिया है कि साकार होना लगभग असंभव है। पहचान, दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, हाँ, तो इनका ड्रेस पोशाक हर कुछ अलग रहेगा। ठीक है, कहा जा रहा है तो स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे, क्या? स्वतंत्रता की मूर्ति से, आज़ादी का मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक राष्ट्र राज बन चुके थे। अब जो देखिए ये आगे है, यहाँ आगे ये जो अगुवाई कर रहे हैं, ये आपके अमेरिका और स्विट्जरलैंड है, जो इस 1848 से पहले ही राष्ट्र राज बन चुके थे, आजाद हो चुके थे। ठीक है, तो इसके बारे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। हाँ, फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे, हाँ चलिए अब यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है प्रतिमा के पास। अब देखिए फ्रांस का जो तिरंगा है क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी फ्लैग, रेवोल्यूशनरी हाँ फ्लैग, उसको हम लोग पहचान सकते हैं, तो हाँ अभी अभी पहुंचा है। कब पहुंचा है? अभी अभी। इसके पीछे जर्मनी के लोग, अब उसी आप लोग चित्र को निकाल लीजिए, उसके पीछे जर्मनी के लोग, काला लाल और सुनहरा झंडा, तो काला लाल और सुनहरा झंडा हम एक बार आप फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, कुछ बन काला लाल और सुनहरा झंडा, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है। चलिए, तो ये लोग धीरे धीरे क्रांति में शामिल हो रहे हैं।
जिस समय सौर्यो ने यह छवि निर्मित की, जिस समय यह सौर्यो यो कैरेक्टर को बना रहा था, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। हालांकि जर्मनी एक राष्ट्र का हिस्सा नहीं बना था, यानी जर्मनी टूटा फूटा था, तो लेकिन ये क्या है, कल्पना दर्श है, सपनों का संसार है, तो ये सब पॉसिबल है। अब उस समय भले आज़ाद नहीं हुआ हो, लेकिन पॉसिबल है, भले जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ, लेकिन ये तो सपनों का संसार है ना। जो झंडा वे थामे हुए हुआ 1848 की उदारवादी उम्मीदों का अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों के एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। यानी ये जो है ये साफ तरह का एक सपना है। कहा जा रहा है कि 1848 में जो बना है ये उदारवादी उम्मीदों, उदारवादी कहने का मतलब लिबरलिज्म, कहने का मतलब आज़ाद ख्याल के लोगों का एक ऐसा सपना था, जिसमें जर्मनी को भाषा रियासत और प्रजातांत्रिक संविधान, यानी कि प्रजातांत्रिक संविधान कहने का मतलब लोगों का संविधान, लोगों के हितों के लिए बनाया गया, सभी को बराबर उसको देखते हुए एक जर्मनी को बनाया गया, और वही जर्मनी के लोग इस चित्र में मार्च कर रहे हैं। जर्मनी, जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, जर्मन के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलिया की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। तो इसके पीछे पीछे क्या है, ऑस्ट्रिया, दो सिसिलिया की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग। ऊपर स्वर्ग से, अब देखिए ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नज़रें जमाए हुए। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्र के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया। तो देखिए ऊपर स्वर्ग से क्या है, ईसा मसीह और फरिश्ते दुनिया पे जमाए हुए, यानी ये चित्रकार कहता है कि ऊपर से भी मास्टरमाइंड के ऊपर से भी ये सभी चीज़ों का कंक्लूजन हो रहा है, कैलकुलेशन हो रहा है, ये भाईचारे को दिखाने के लिए किया है। तो देखिए साफ बात है, फ्रेडरिक सौर्यो सपनों का संसार बनाया, स्वतंत्रता को एक देवी के रूप में गढ़ा लिखा बनाया। ठीक है, हम लोग ने जिन नदी किनारे जाते हैं मिट्टी का नहीं बोलते हैं, कादो कीचड़ बोल लेते हैं, कीचड़ उसको बना कर कुछ ऐसे करके बना लेते हैं अपने से, इसी तरह फ्रेडरिक सौर्यो भी बनाया। उसने क्या किया, ये दुनिया में जितना राजा का शासन था उनके घरों को तोड़ते हुए दिखाया कि जब लोग प्रजातांत्रिक होंगे। उसके बाद फ्रांस को दिखाया, लेकिन फ्रांस से पहले देखिए मूर्ति के आगे आगे ये अमेरिका और स्विट्जरलैंड है, जो राष्ट्र राज बन चुके थे, जो पूर्णतः अमेरिका एक राज बन चुका था, स्विट्जरलैंड भी, इसलिए वो आगे हो गए। और यहाँ है फ्रांस, जो क्रांतिकारी से नहीं बना था, वो क्रांतियों को झेल रहा था, क्रांति कर रहा था राजा से अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए। उसके बाद आपके बीच है यहाँ पे जर्मनी, जो ये तो पूरा पूरी सपने के दुनिया में है, क्योंकि वो 1848 के उदारवादी लोग को सोच को ये फ्रेडरिक सौर्यो बताया था। उसके बाद फिर ये कुछ और देश है, ठीक है, हंगरी, पोलैंड, जो भी हम अभी आपके सामने पढ़े तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि लोम्बार्डी, पोलैंड, सिसिलिया के दौरा, ऑस्ट्रिया, ये सब हंगरी और भी वगैरह देश है। उसके बाद ये सारे, उसके बाद जो बोला गया ईसा मसीह ऊपर से फरिश्तों के साथ इस पे नज़र जमाए हैं, और इसका प्रयोग इसलिए हुआ भाईचारे के लिए। तो फिलहाल हम आपके बीच आज लेकर आए, पहला इसका आज ट्रेलर था, ट्रेलर ख़त्म हुआ, फिर इसके कुछ शुरुआत के कुछ पॉइंट को हम किए। हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज़्यादा करेंगे, लेकिन आज थोड़ा समझाने का बात था। तो फिलहाल हम आपके सामने यहाँ क्या पढ़ना